तो बेटा आज का हम शुरू करते हैं कार्यक्रम 19/6/2020। तो बेटा कुछ प्रॉब्लम तुम लोगों की रहेगी थी अभी भी, जो मैंने देखा ग्रुप में भी, अभी तीसरे का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, पांचवे का सेकंड, 8, 11, 12, कोई बात नहीं, अब टेंशन ना ले, प्रॉब्लम एक एक निपटाई जाएगी तुम्हारी। बट तुम लोग मेहनत के साथ अपना काम करते रहे, प्रॉब्लम निपटाना मेरा काम है। तो बेटा सबसे पहले तीसरे का थर्ड पार्ट, HX = sin x + cos x। तो सबसे पहला काम x के सापेक्ष अवकलन, तो बेटा sin x का अवकलन cos x होता है और cos x का sin x होता है, सभी को पता है। उसके बाद आप एक लाइन लिखते हो कि x के सभी मानों के लिए H'X = 0 रखने पर। तो बेटा जब आपने 0 रखा तो 0 = cos x - sin x, और बच्चों sin x = cos x, और यहाँ आया sin x / cos x = 1, और ये आया बेटा tan x = 1, और 1 tan में कितने की वैल्यू होती है, π/4 की। तो यहाँ से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि x बराबर कितना है, π/4। और इसने क्वेश्चन में दिया भी है कि x की जो वैल्यू है आपकी 0 से π/2 के बीच में, ठीक है बेटा। तो यहाँ आप डायरेक्ट x = π/4 ले लें चाहे तो, क्योंकि हमें फिर उस पॉइंट पर चेक भी करना है स्थानीय वर्धमान है या स्थानीय उच्चतम है, स्थानीय न्यूनतम है। या फिर आप एक काम किया करो, आपको फॉर्मूला पता है tan x = tan α, तो x = nπ + α, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये बात तुमने 11th में खूब पढ़ रखी है, व्यापक मान, क्या लिखते थे बेटा इसको, व्यापक मान। तो इसके अकॉर्डिंग आप n बराबर 0 रखो, तो x बराबर कितना आ गया, π/4। n बराबर 1 रखो आप, तो 1 रखने पर कितना आ गया बेटा, 4 भाई, पाई और जुड़ गया इसमें, लेकिन पाई जुड़ने का मतलब क्या, इस इंटरवल से बाहर निकल गया, तो इसलिए x का एक ही मान है बस, π/4। तो इस पर आप चेक कर देंगे, इसके लोकल में लेके चलो, मैं आपको एक चेक भी करके बताता हूँ। मुझे लग रहा है यही बता देना चाहिए, पेज पलटने में फिर समस्या आ जाती है। तो आपने एक रियल लाइन खींची, ये आ गया इस पे 30, 30 का मतलब π/6, ये आ गया π/4 यानी 45, और ये आ गया π/3। देखो बेटा π/6 यानी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो मेरे हिसाब से ये क्या हो गया आपका बायां, और ये क्या हो गया आपका दायां। तो एक बार बाई तरफ जांच कर लें आप, तो बाई तरफ का मतलब कितना आ गया, x = π/6 आप कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो बेटा जब आप समीकरण 2 में रखेंगे तो H'X = ये है आपकी समीकरण 2। तो आप क्या रख रहे बेटा यहाँ से, π/6, तो cos π/6 यानी cos 30 और -sin 30। तो बेटा आप इनकी वैल्यू देखें, sin 30 की तो 1/2 होती है, और cos 30 कितनी होती है, √3/2। तो मेरे हिसाब से H'X के आगे पॉजिटिव। अब बेटा आप क्या करें, बाई के बाद दाई तरफ, तो दाई तरफ जब आप लेंगे तो H'X = उल्टा हो जाएगा, cos 60 - sin 60, तो ये आ गया cos 60 - sin 60, तो ये आ गई -0। तो आप देख ले कि भाई बाई तरफ क्या रहा >0, दाई तरफ क्या रहा >0, तो क्या है, स्थानीय उच्चतम, यानी π/4 पर क्या है आपका, स्थानीय उच्चतम। तो बेटा ऐसे आप इनकी जांच करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं और भी प्रॉब्लम तुम्हें बताता हूँ, टेंशन ना ले जरा सी। ये है बच्चों fx = sin x - cos x। तो इस पे आपने समीकरण 1 डाल दी, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। तो f'x = sin x का हो गया cos x का -sin x, तो ये हो गया +sin x, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ x के सभी मानों के लिए f'x = 0 रखने पर। तो जब आप 0 रखोगे तो 0 = cos x + sin x। तो बेटा आप इसको इधर ले आओ, साइन को ही ले आओ चलो इधर, तो sin x = ये आ गया cos x, और sin/cos tan x = -1। बेटा tan x = 1 पे तो आपका tan 45 फट से रख देते हो आप, लेकिन अब आपको -1 पे सोचना पड़ेगा। तो -1 पे आप सोच लो, कोई बात नहीं, tan थोड़ी सी जगह छोड़ दो और यहाँ लिख दो π/4। तो आपको इनको सोचने का तरीका पहले मैंने बता रखा कि π- रख के देखें, फिर π+ रख के देखें,
टू पाई माइनस रख के देखें, टू पाई प्लस रख के देखें, ये चार विकल्प सबसे बेहतर होते हैं। तो सबसे पहले आपने पाई माइनस रख के देखा, तो बेटा जब आप पाई माइनस रखोगे तो पाई माइनस का मतलब पाई 180, 180 पर कोई चेंज तो होता नहीं, लेकिन पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। और बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, माइनस का, और माइनस ही तुम्हें चाहिए, तो इसका मतलब सही है बिल्कुल ये। तो ये आ गया आपके पास टेन एक्स बराबर टेन फोर फोर और वन कितना आ गया थ्री पाई बाई फोर। तो बेटा हमारी जो आगे जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर टू पाई के बीच में, तो जीरो से टू पाई के बीच में तो अभी और भी वैल्यू आ सकती है यहाँ से। तब आप यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाए, व्यापक मान, तो व्यापक टेन का भी लिखवाया था तुम्हें, एक्स बराबर एन पाई प्लस एल्फा होता है। बेटा इन व्यापक मान को याद रखा करो, कोस का भी अभी यूज किया था हमने, क्या यूज किया था कोस का, कोस का तो भी यूज ही नहीं किया, टेन का यूज किया एन पाई प्लस एल्फा। तो एक्स बराबर ये आ गया एन पाई प्लस एल्फा, एल्फा की वैल्यू आ गई बेटा थ्री पाई बाई फोर। तो जब एल्फा की वैल्यू थ्री पाई बाई फोर आई, और वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, तो एन बराबर आपने जीरो लिया, एक्स बराबर थ्री पाई बाई फोर, अब आपने एन बराबर एक लिया, तो एक्स बराबर जब एक लिया, चार एकम चार और तीन सात पाई बाई फोर। लेकिन बेटा देख लो ये उससे बाहर ना हो जाए रेंज से तुम्हारी, सात पाई बाई फोर है तो सात पाई बाई फोर्टी फाइव, सात चौबे नहीं भाई, रेंज से बाहर नहीं हुआ, इससे अगला शायद रेंज से बाहर हो जाए तुम्हारा। तो बेटा अब मुझे उम्मीद है कि तुम इस पे जांच तो कर ही लोगे, मुझे उम्मीद है एक्स की मान ही निकालने में तुम्हें दिक्कत आ रही होगी। अब आप एक लाइन खींचे और लाइन पर वैल्यूज रख ले, जिन जिन की वैल्यू हमारी टेबल में होती है, ऐसा नहीं तुम कुछ भी रख लो वहां से, जैसे थ्री पाई बाई फोर 135 है, सात पाई बाई फोर है, ठीक है ना, उसके आसपास की जो भी वैल्यू आप उनको रख ले और फिर आप इसको जांच करें। थोड़ी सी मेहनत करो बेटा, अब तो ये मेरे हिसाब से इलेवंथ का ही काम रह गया, वैसे कोई समस्या तो रही नहीं। अब आप बाई तरफ दाई तरफ इसकी जांच करें। तो बेटा इससे आगे की जो प्रॉब्लम है वो, तो एक्सरसाइज 6.5 का एक प्रॉब्लम तुमने पूछा है, पांचवे का सेकंड पार्ट। तो पांचवे का सेकंड पार्ट जो है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और अंतराल जो दिया है इसका वो अंतराल दिया है 0 टू पाई, यही तो है, क्लोज इंटरवल है, तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है वो कैसा है, निरपेक्ष वाला। तो बेटा निरपेक्ष वालों का करने का अपना अलग ही अंदाज होता था। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स तो अभी किया तुमने, तीसरे का थर्ड पार्ट नहीं किया तुमने, तो ये आ गया था तुम्हारा एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, और कोस एक्स का हो गया साइन एक्स, ऐसे तो किया था। फिर एक्स के सभी मानों के लिए इसको जीरो रखा तुमने, और फाइनली क्या आ गया था, टेन एक्स बराबर टेन पाई बाई फोर। उसके बाद बेटा आपने व्यापक मान लगा दिया था एक्स बराबर एन पाई प्लस एल्फा पाई बाई फोर, और वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो जब आप एक्स बराबर जीरो लेंगे, सॉरी एन बराबर जब आप जीरो लेंगे तो एक्स बराबर कितना आ गया पाई बाई फोर। अब आपने एक्स बराबर वन लिया, सॉरी एन बराबर वन लिया, तो एक्स बराबर आ गया फाइव पाई बाई फोर। बेटा रेंज से बाहर ना हो जाए, रेंज दी इसने जीरो टू पाई, तो मुझे लग रहा पाई बाई फोर फाइव पाई बाई फोर, फाइव पाई बाई फोर का मतलब चार से काटा कितना आ गया 45, और पांच चौबीस 210 के आसपास हम पहुंच चुके, और रेंज कितनी थी हमारी, बेटा रेंज तो हमारी जीरो टू पाई थी, तो जीरो टू पाई का मतलब तो रेंज से बाहर हो गया हमारा कार्यक्रम, तो इसको आप छोड़े, ये तो हमारा आउट ऑफ रेंज हो गया, ये क्या हो गया बेटा हमारा आउट ऑफ रेंज। तो बेटा आप देखिए एक्स के पॉसिबल मान क्या क्या आ गए हमारे पास, भाई एक्स के पॉसिबल मान आ गए जीरो पाई बाई फोर और पाई, ये आगे बच्चों हमारे पास एक्स की पॉसिबल वैल्यू जीरो पाई बाई फोर और पाई, क्योंकि इंटरवल आपका क्या था जीरो टू पाई, और ये था जीरो पाई बाई फोर पाई। तो बेटा एब्सोल्यूट वालों को हम क्या करते हैं, सीधी वैल्यू यानी संख्यात्मक मान पर जोर देते हैं। तो ये सारे मान उठा के आप कहाँ रखोगे, समीकरण एक में, ना कि दो में, ध्यान रहे इस चीज का विशेष, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हम डायरेक्ट हम कहाँ चलते हैं, संख्यात्मक मान पर। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों मान आप याद कर दोगे, मैं एक्स बराबर चलो अच्छा मैं ही बता रहा हूँ साइन जीरो प्लस कोस जीरो। तो बेटा जब साइन जीरो प्लस कोस जीरो रखोगे तो साइन जीरो तो जीरो ही होता है भाई, साइन जीरो तो जीरो ही होता है, और कोस जीरो कितना होता है आपका वन, तो ये आ गया आपका वन,
उसके बाद पाई बाई फोर रखेंगे तो पाई बाई फोर पे दोनों ही कितने होते हैं, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू, तो आ गया टू बाई रूट टू, फाइनली आ गया रूट टू। उसके बाद बेटा पाई रखेंगे, पाई का मतलब 180, तो पाई 180 का मतलब ये आ गया साइन 180 और प्लस कोस 180। तो भाई इनकी वैल्यू आप रखिए जरा, भाई साइन 180 को आप लिख सकते हैं साइन 180 प्लस जीरो, और साइन जीरो तो जीरो ही हो गया। अब कोस 180 को लिखा आपने, कोस 180 प्लस जीरो, तो कोस 180 प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, बेटा दोनों में ही माइनस है और कोस जीरो कितना होता है माइनस वन, तो ये आ गया फाइनली माइनस वन। तो बेटा ये सबसे वैल्यू क्या आएगी, नहीं वन मैक्सिमम नहीं है भाई, रूट टू क्या होता है 1.4414, तो ये आई आपकी मैक्सिमम और ये आई आपकी मिनिमम मेरे हिसाब से, बाकी आप एक बार फिर भी कैलकुलेशन कर लें। तो बेटा अब आपने क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है मेरे से प्रॉब्लम, आठवें में अंतराल दिया है आपका 0 to 2π। बेटा थोड़ा टिग्नोमेट्री में ना तुम्हें व्यापक मान वगैरह नहीं याद हो रहे होंगे इसलिए दिक्कत आ रही होगी, नहीं तो दिक्कत नहीं आएगी इनमें। अंतराल 0 to 2π के किन बिंदुओं पर फलन साइन 2x, तो फलन जो है फलन fx बराबर है आपके पास साइन 2x, तो हमें ज्ञात करना है कि उच्चतम मान प्राप्त करता है, किन बिंदुओं पर उच्चतम मान प्राप्त करता है, क्या ज्ञात करना उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो बेटा ध्यान दे, क्लोज इंटरवल है तो सीधा सीधा निरपेक्ष का है, तो निरपेक्ष वाले की शुरू की तो दो तीन लाइनें हुई हैं कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन 2x का अवकलन कितना आ गया बेटा कोस 2x और इंटू में कितना आ गया 2। इक्वेशन नंबर 2 डाल दी, उसके बाद आप लिखेंगे x के सभी मानों के लिए f(x) बराबर 0 रखने पर, तो यानी 2 cos 2x बराबर 0, तो बच्चों ये आ गया आपका cos 2x बराबर 0। और बेटा जब cos x बराबर 0 होता था तो आपके याद होगा कि 2x बराबर 2n plus 1 into pi by 2 होता था व्यापक मान। तो बेटा याद नहीं है तो एक बार देख लो आप इनको, तो व्यापक मान ये होता था 2n plus 1 into pi by 2 where n belongs to z। अब बच्चों इसमें आप मान रखेंगे, तो मान आप रखें सबसे पहले n बराबर 0 रख दें, तो n बराबर जब 0 रखेंगे तो 2x बराबर n बराबर 0 रखा कितना आ गया pi by 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर pi by 4, एक मान तो यही आ गया आपका। उसके बाद बेटा n बराबर 1 रखेंगे आप, तो 2x बराबर जब आपने 1 रखा 2 1 2 और 3 पाई बाई 2 implies that x बराबर ये आ गया आपका 3 पाई बाई 4। बेटा देख लेना जरा, रेंज से बाहर ना हो जाए हम, रेंज हमारी 2 पाई तक है। उसके बाद n बराबर 2 रखा आपने, तो 2x बराबर जब बेटा 2 रखा यहाँ से 2 2 4 और 1 5, तो ये आ गया 5 पाई बाई 2, इसका मतलब x बराबर आ गया 5 पाई बाई 4, अभी रेंज में ही है। तो 3 भी लग तो लगे आता, x बराबर 3 रखा तो 2x बराबर 3 दूने 6 और 1 7 पाई बाई 2, ये आ गया आपके पास 7 पाई बाई 2, तो x बराबर ये आ गया आपके पास 7 पाई बाई 4। तो 7 पाई बाई 4 का मतलब अगर आप नेक्स्ट चलोगे तो 2 पाई से बाहर हो जाएगा भाई, तो मुझे लग रहा है इन्हीं मानों पे आपको चेक करना चाहिए। तो हमारे पास कितने मान है, हमारे पास 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 मान अवेलेबल है, तो इन चारों मानों पे आप क्या करेंगे, एक तरफ x का मान और इधर फलन में रखोगे। बेटा ये काम आप खुद करोगे, तो जो भी मान आपका सबसे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी सी कसरत कर लो भाई, ट्रिग्नोमेट्री में कहीं 180 की जरूरत पड़ेगी, कहीं 30 की, कहीं 40, जो भी पड़ेगी जरूरत, तो आप थोड़ी सी कसरत कर लें x के मान आगे, तो इन x के मान पे सब पे आप आगे क्या निकाल दो, फलन, सब पे फलन निकाल दो आगे, फलन के जो जो भी मान है निरपेक्ष मान। देखो बच्चों इसने दिया है 11वें में कि 0 टू 2 अंतराल में x बराबर 1 पर फलन, और फलन दिया है हमें fx बराबर x की पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 का
मान उच्चतम प्राप्त होता है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसका मान उच्चतम प्राप्त होता है तो क्लोज इंटरवल दिया है, पहले तो यही समझ ले आप। तो सीधी सी बात है, निरपेक्ष का है तो निरपेक्ष का हो। तो आपने लिखा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 4x³ माइनस 2 × 4 2 × 6 = 12 124 एक्स आ गया और प्लस आ गया आपके पास ए, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। उसके बाद आप लिखोगे एक्स के सभी मान के लिए, लेकिन आप एक्स का सभी मान के लिए आप लिखेंगे यहाँ तो उससे क्या फायदा होगा, 0 बराबर 4x³ माइनस 124x प्लस ए। अब बेटा इसने क्या दिया आपको, परंतु x बराबर 1 पर, भाई हमें निकालना तो नहीं x का मान, इस बार तो x का मान 1 दिया हुआ, तो जब 1 दिया हुआ तो बेटा 1 आप रख दो, तो 4 × 1³ माइनस 124 × 1 प्लस ए, तो ये आ गया आपके पास 0 बराबर 124 में से 4 चले गए 120 और प्लस ए, तो ए बराबर आ गया 120। तो यही आपका क्या है आंसर। आप चाहो तो महत्तम निम्नतम की आप प्रक्रिया इसमें पूरी कर सकते हो, अदरवाइज क्लियर दिखाई दे रहा है कि ए बराबर कितना है आपका 120। तो एक और रहेगी प्रॉब्लम, तो बच्चों एक प्रॉब्लम तुमने 12वीं पूछी है तो ये सेम 8वें क्वेश्चन जैसा है, क्योंकि बिल्कुल साइन टू एक्स अभी अभी तुमने इसमें किया 8वां क्वेश्चन। तो बेटा एक बार आप कोशिश करें, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन हो ही जाएगा। तो अब हमारे क्वेश्चन बीच में शायद एक आध छूटा भी है, चलो उसके बारे में भी सोचेंगे। अब हम एक थर्ड जो लास्ट मेथड हमारा रह गया था, अब हम उसके बारे में चलेंगे। तो बेटा लास्ट जो मेथड था हमारा, उस मेथड को बोलते हैं डबल डेरिवेटिव मेथड। इसको क्या बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव मेथड। तो देखो डबल डेरिवेटिव में होता क्या है, सबसे पहला काम, हमारे पास कोई फलन दिया हुआ, भाई फलन क्या दिया हमारे पास, एफ एक्स है। तो एफ एक्स के लिए भाई एक्स का मान ज्ञात करने का तो वही तरीका कि आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या ज्ञात करते हो आप, एफ डैश एक्स। तो बेटा एफ डैश एक्स जो भी आपका आ गया, उसके बाद आप एक लाइन लिखते हो कि एक्स के सभी मानों के लिए एफ डैश एक्स बराबर क्या रखने पर, 0। तो जब 0 रखते हो तो एक्स के कुछ मान प्राप्त होते हैं, मान लो एक्स का मान ए और बी 2 प्राप्त हो गए। तो बेटा जब आप एक्स का मान प्राप्त हो गया तो आप यहाँ पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स आ गया कुछ भी आपके पास। देखो बेटा नया काम क्या जुड़ा केवल हमारा, एक्स के मान ज्ञात करने तक का तो पुराना ही था हमारा, उसके बाद आप पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे। जब आप पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो एफ डैश एक्स आएगा और एक्स के मान आप इसमें रखोगे। सबसे पहले एक्स बराबर ए रखने पर, तो जब आप x बराबर a रखोगे और f डैश x को चेक करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या आ गया, धनात्मक। तो धनात्मक अगर आ गया तो x बराबर a पर फलन कैसा है, निम्नतम। कैसा है, निम्नतम। उल्टा चलेगा भाई इसमें, धनात्मक पर क्या होगा, निम्नतम, और x बराबर a क्या है आपका, निम्नतम का एक बिंदु। क्लियर। उसके बाद आप ना x बराबर b रखने पर तो f डबल डैश x लेस देन 0 आ गया, यानी क्या आ गया भाई, ऋणात्मक। तो अगर ये ऋणात्मक आ गया तो आप क्या लिखोगे यहाँ कि x बराबर b पर फलन जो है आपका वो कैसा है, उच्चतम है। तो फलन कैसा है आपका x बराबर b पर, उच्चतम है, और x बराबर b क्या है, फलन के उच्चतम का एक बिंदु। तो बेटा दो नई लाइन जुड़ी, जरा सी मैं एक बार फिर से तुम्हें रिवाइज कर दूं कि पुनः आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे डबल डेरिवेटिव
और एक्स के जो मान है वो आप रखेंगे। एक्स का मान ए रखा, डबल डेरिवेटिव अगर आके धनात्मक तो फलन हो गया निम्नतम। एक्स बराबर बी रखा और डबल डेरिवेटिव आगे ऋणात्मक तो एक्स बराबर बी हो गया आपका उच्चतम। एक्स बराबर बी पर फलन क्या हो गया आपका उच्चतम। संख्यात्मक मान ज्ञात करने का वही पुराना तरीका कि एक्स बराबर ए और बी दोनों मान कहाँ रख दो फलन में अगर संख्यात्मक पूछता है। तो बेटा ध्यान दे, सबसे पहले आपको क्या पढ़ा मैंने, लोकल। लोकल तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको लिखा हुआ होगा स्थानीय। दूसरा पढ़ा है आपको निरपेक्ष। निरपेक्ष जब इस्तेमाल करेंगे या तो लिखा हुआ हो निरपेक्ष या फिर क्लोज इंटरवल दिया हुआ हो। और बेटा अगर ये दोनों ही काम नहीं दिए तो फिर आप सारे क्वेश्चन में ये अप्लाई करोगे। जैसे आपका 13वां क्वेश्चन है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल भी शुरू हो गया इसमें। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है। तो बेटा मान ले, माना एक्स वे वाई दो संख्या है। तो अगर एक्स वे वाई दो संख्या है तो प्रश्नानुसार एक्स प्लस वाई बराबर 24। क्लियर। अब क्या कहा इसने भाई, क्वेश्चन 13 बताए 6.5 का कि जिनका गुणनफल उच्चतम हो। तो माना जेड बराबर, या पी मान लो प्रोडक्ट एक्स डॉट वाई, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और बेटा इसको हमें क्या प्रूव करना, उच्चतम। तो ध्यान दे, अब उच्चतम निम्नतम क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक जरिया। अब से पहले आपने अवकलन पढ़ा, अवकलन क्या था आपका, एक मुख्य भूमिका में चैप्टर, एक मुख्य भूमिका में करने वाले प्रश्न। तो बेटा अब से पहले जो अवकलन पढ़ा तुमने वो मुख्य भूमिका में था, लेकिन अब आप क्या देख रहे, अवकलन का एम इस्तेमाल और आप प्रश्नों को हल करने में आपकी सहायता कर रहा। अब ध्यान दे, उच्चतम निम्नतम अब तक क्या थे, मुख्य भूमिका के प्रश्न। अब उच्चतम निम्नतम क्या करेगा, आपके प्रश्न हल करने में सहायता। तो ध्यान दे, उच्चतम निम्नतम केवल हेल्प कर रहा है, ना कि क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि एक्स और वाई दो संख्या ज्ञात करो जिनका योग क्या है 24 और दोनों का गुणनफल क्या है उच्चतम। तो बेटा जिसके ऊपर लिखा हुआ आ गया उच्चतम निम्नतम वो हमारा फलन है, ध्यान दें। और जो अन्य समीकरण है वो आपकी हेल्प के लिए बनी। तो फिलहाल हमारा मेन फलन क्या है, जेड बराबर एक्स वाई, इसको हमें क्या करना है उच्चतम। ये हमारा प्रश्न बन गया कि एक्स डॉट वाई को उच्चतम सिद्ध करना। अब बेटा या तो क्वेश्चन एक्स में हो या वाई में, तो ऊपर ये इक्वेशन काहे के लिए होती है, हेल्प के लिए। तो इससे आप वाई का मान भी एक्स के पदों में रख दो। तो आप लिखें समीकरण एक से वाई बराबर 24 माइनस एक्स रखने पर, तो जेड बराबर एक्स डॉट और वाई का मान भी कितना रख दिया 24 माइनस एक्स। तो बेटा जेड बराबर एक्स के अंदर गुणा कर दें आप 24 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर होगी बात यहां तक। तो ये आपका क्या बन गया, एक फलन जो प्योर काय के पदों में दिखाई दे रहा है, एक्स के से तुम्हें क्या करना उच्चतम। तो बेटा ये तो आसान काम है, चलो मैं फिर से कराता हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो एक्स के सापेक्ष वही पुराने तरीके अवकलन करने पर, तो बेटा डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर, जब आप अवकलन करोगे तो 24 माइनस 2x इक्वेशन 4 डाल दिया। और यहाँ एक लाइन लिखते थे आपके याद होगा, एक्स के सभी मानों के लिए डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर 0 रखने पर। तो जब बेटा आप 0 रखते हो तो 24 माइनस 2x और एक्स बराबर आ गया आपके पास 12। क्लियर। उसके बाद अभी अभी तुम्हें नया तरीका बताया कि पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे आप, पुनः समीकरण 4 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब बेटा आप पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डबल डेरिवेटिव यानी डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये आ गया आपका -2। अब बेटा आपको क्या समझाया था अभी अभी तरीके में कि एक्स के मान रखेंगे इसमें, तो एक्स के मान, तो एक्स का तो एक ही मान है इसमें, एक्स बराबर 12 रखने पर। तो जब आप एक्स बराबर 12 रखेंगे तो डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान तो बेटा -2 ही रहेगा, यानी लेस देन 0, यानी कि आ गया ऋणात्मक। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बराबर 12 पर फलन क्या है बेटा, उच्चतम है। उच्चतम ही हमें सिद्ध करना था, सत्य होगी बात। इसका मतलब एक्स बराबर 12 हमारा क्या है, एक सत्य मान। तो बेटा उच्चतम निम्नतम केवल क्या था, प्रश्नों को हल करने में सहायक।
मेन प्रश्न क्या था, एक्स वाई का मान ही तो बताना था, एक्स बराबर 12 सत्य है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस मान को आप समीकरण एक में रखने पर वाई बराबर भी क्या आ गया 12, इसका मतलब वे दोनों संख्याएं क्या है बेटा 12 और 12, जिनका योग क्या है 24 और जिनका गुणनफल क्या है महत्तम। तो अब आप क्वेश्चन जो करेंगे मेरे हिसाब से, बेटा मैं ज्यादा काम नहीं तुम्हें दे रहा, क्वेश्चन 14, 15, 16 केवल 3 ही क्वेश्चन, आप इन पर ट्राई करें, कोशिश करें, मुझे उम्मीदें होंगे क्योंकि प्रॉब्लम भी काफी सारी थी, आज वीडियो भी काफी बड़ी होगी, तो मुझे लगता है आज इन्हीं को करें और कल फिर ये समझ लो प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन शुरू होंगे कल, बड़े ही इंटरेस्टिंग है बेटा, कोई बच्चा उनको मिस ना करे बिल्कुल भी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।